नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सूबे के कई जिलों में इन दिनों वायरल का प्रकोप जारी है, तो रायबरेली भी इससे अछूता नहीं है। वायरल के मामले स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, तो आंकड़ों के अनुसार रायबरेली में प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज यहां पहुंच रहे हैं। इसी तरह लगातार मामले सामने आते रहे तो मरीजों को बेड उपलब्ध करा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो वहीं सफाई को लेकर यहाँ आशा कार्यकर्त्रियों और ANM को भी सक्रियता से सजग किया गया है। सीजन में तो अभी तक जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, करीब 10% केसेज बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर सामान्यतः खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं, कुछ डायरिया के केस भी आ रहे हैं। सर, अगर डेंगू और मलेरिया जैसे महामारियों की बात की जाए तो उसको लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? देखिए, मलेरिया का अभी तक कोई केस हमारे लैब में पॉजिटिव नहीं आया है, क्योंकि मैं इस पर लगातार नज़र रखता हूँ। और डेंगू का इस महीने शुरुआत में एक केस पॉजिटिव आया था पिछले महीने, और कोई डेंगू का केस पॉजिटिव अभी तक मिला नहीं। वायरल फीवर को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? सामान्य वायरल फ्लू के केसेस 10% बढ़े हैं और सभी सामान्य उपचार से ठीक हो रहे हैं, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं। हम लोगों ने डेंगू संभावित आने वाले समय में देखते हुए डेंगू वार्ड अपना तैयार कर रखा है। हमारे यहाँ सेंट्रल लैब है जहाँ पर डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, इसका टाइफस के केसेस की जाँच होती है, लाजा टेस्ट होता है। फिलहाल अभी तक केसेस में कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं देखने मिला है कि केसेस बढ़ा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची नोडल अधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सहभागिता की, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत के कार्यों की जानकारी भी ली। इसी के साथ नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया, तो मीडिया से बात कर संतुष्टि जाहिर की। बता दें कि इन दोनों जनपद में वायरल और डेंगू बुखार की आमद से स्वास्थ्य विभाग खासा मुस्तैद है, जिसके चलते यहाँ प्रतिदिन काफी संख्या में यहाँ मरीज पहुँच रहे हैं। ऐसे में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी के चलते नोडल अधिकारी ने भी यहां जिले में दौरा किया है। राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारी भेजे हैं। अभी जो मौसमी बुखार आ रहे हैं, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, अदर देश की जो कुछ जिलों में वेस्टर्न यूपी में आउटब्रेक हुआ था, उसको तैयारी बाकी जिलों में कैसी है, क्या उसमें गैप्स हैं, क्या सफाई का अभियान गांव में हो रहा है, जिला अस्पताल हॉस्पिटल्स अपने थर्ड वेव की तैयारी किस स्तर तक कर पाए हैं, रूटीन की एक्टिविटीज OPD नॉर्मल पे हो रही है नहीं हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, नेक्स्ट थर्ड वेव की तैयारी में जो चीज़ें चाहिए, चाहे बेड हों, इक्विपमेंट हों, ड्रग्स हों, उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, क्या कुछ गैप है जिसको फिल इन करना है। सिमिलरली जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लागू है, एक बाढ़ का पॉइंट था, क्योंकि अभी बाढ़ भी कई जिलों पे तराई में, ईस्टर्न यूपी में हो रही है। यहाँ पे क्या कमियाँ पाई गई मैम? नहीं, कमियाँ मैं यहाँ पे वो कमियों वाला उसके लिए उस तरह से नहीं आए हैं। वी आर हियर टू निरीक्षण है, इट इज टू सी कि क्या गैप्स हैं। सूबे के CM योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के उतरौला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान CM ने ग्रामीणों को राहत सामग्री का वितरण किया, तो साथ ही अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया। इसी के साथ बाढ़ राहत की समीक्षा भी की, तो वहीं CM ने राहत सुविधाओं के लिए विधायकों से सहयोग की अपील भी की। बता दें कि इन दोनों जनपद के 60 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी कहर पर पाया हुआ है, जिससे जनपद का कई गाँव से संपर्क टूट गया है। पीलीभीत में खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां शराब के नशे में धुत होकर पुलिसकर्मी ने उत्पात मचाते हुए बेकसूर ऑटो चालक को पीट दिया, जिसमें पुलिस की साख खराब हुई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया और अधिकारियों को सूचित किया। अब अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लिया है, तो मामला गजरौला थाना क्षेत्र का है। मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक के खुटहा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी गीतों के द्वारा जन जन तक पहुंचाई गई। सरकारी योजनाओं को बिरहा गीतों से नुक्कड़ नाटक से प्रदर्शित किया गया, तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना या फिर गरीब कल्याण योजना की जानकारी दी गई। बिरहा गीतों की थापों पर लोगों ने सरकार की आवास योजना की जानकारी ली, तो वहीं 1076 पर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की जानकारी भी ली। आयोजन में पूर्व प्रधान गुलजार अंसारी की मौजूदगी रही,
तो यहाँ इस मौके पर कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। आज हमारे ग्राम सभा कोटा में जो ये संगीत के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें जो कि हमारे भारत सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे श्री मोदी जी के द्वारा, श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सरकार की योजना जो ब्लॉक्स से और जो गाँव में आ रहा है उसके बारे में हमारे माननीय कलाकार जी जो यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने सभी जनता के बीच में गा करके बजा करके सुना करके सबको सुनाया और बताया कि किस तरह से गांव की समस्या किस तरह दूर होगा, किस तरह से गांव के प्रधान जो कि गांव का साथ में कार्य करेंगे, काम को करेंगे, विकास करेंगे, उस विकास की गति को बढ़ाने के लिए इन्होंने जिस तरह से अपने संगीत के माध्यम से जो सहयोग दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमारे गाँव में आए, जिन्होंने कि पूरे जनता के बीच में आकर के संगीत के माध्यम से जो इन्होंने बातें जो अपने गायक के माध्यम से अपने संगीत के माध्यम से जो इन्होंने व्याख्या किया है, मैं उनका बहुत ही सादर आभार करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से हम रजिस्टर्ड हैं, हम लोग परीक्षा दे के पास हुए हैं। सरकार की जो उपलब्धि होती है हम लोग को जिला के माध्यम से मिलता है, कभी कभी लखनऊ से भी मिल जाता है डायरेक्ट। ये कार्यक्रम मिलता है गाँव का, जो ये सरकार हमारी उपलब्धि कर रही है उसके बारे में गाँव में जाके प्रचार प्रसार करिए। हमको खुटहा गांव भी मिला, मुझको मिर्जापुर से राजगढ़ ब्लॉक चुना गया, मैंने गया वीडियो साहब कहाँ, वीडियो साहब ने स्वीकृत करके दिया, मैंने आया हर गांव में अपना कार्यक्रम किया और अंतिम में हम प्रधान जी के हमारे खुटहा प्रधान जी से संपर्क किए, बड़ा हमको अच्छा लगा, लोग सुने प्रेम से, अब जो सरकार की योजना थी मैंने सुनाया। बरेली के आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के कैमुआ में तालाब की जगह कब्जे की शिकायत पर खुद जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने एसडीएम परुल तरार के साथ मिलकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्राइमरी स्कूल में व्यवस्थाओं की जानकारी भी डीएम ने ली तो बच्चों के पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी के साथ यहाँ बने नए शौचालय में मानकों के अनुरूप कार्य न होने पर नाराजगी जाहिर की तो जेई से स्पष्टीकरण भी मांगा। इसी के साथ अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तो वहीं भाजपा नेता के साथ ब्लॉक प्रमुख व प्रधान भी यहाँ मौजूद रहे। बरेली के आओला में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील परिसर में किया गया। इस दौरान एसडीएम पारुल तरार ने राजस्व के 18 और विकास के 9 और पुलिस से संबंधित मामलों की शिकायतों को सुना तो वहीं समाधान दिवस में 50 से ज्यादा शिकायतें एसडीएम के सामने आई। इस मौके पर समाधान दिवस में एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को संज्ञान लेने को कहा तो पूर्ति निरीक्षक ललित श्रीवास्तव के साथ कोतवाल मनोज कुमार सिंह व थाना प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगरपालिका परिसर में सफाई के लिए खरीदे गए लाखों रुपए के रिक्शा बरसात में भीग कर कबाड़ हो रहे हैं। नगरपालिका कर्मियों के साथ पालिका प्रशासन भी इस तरफ लापरवाही भरा रवैया अपनाए हुए है तो दर्जनों रिक्शा कबाड़ में तब्दील होकर जंग खा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन रिक्शों को कबाड़ करना था तब पालिका प्रशासन ने इनको खरीदा क्यों था। वहीं इस मामले में अधिकारी भी खामोश हैं तो सभासद मोहित शर्मा ने इस बात को मुद्दा बनाते हुए मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। ई रिक्शा को सर मैंने सालों से देखा है, वहाँ पड़े हुए गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो जंग लग रही है। आप उसकी वीडियोग्राफी करके दिखाएं डीएम सर को, जिन चीज़ों की मैं खुद कह रहा हूँ, पहले ही कह चुका, जिस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है नगर पालिका उस पर धन का दोहन कर रही है और जिस चीज़ की अति आवश्यकता है वो लोग जनहित के कार्य ही नहीं हो रहे। मेरा इसी तरीके का मैं इसमें यूँ जोड़ रहा हूँ नाले की बात कि कई साल से मेरा नाला दंश भोग रहा है, पूरा वार्ड घरों में पानी जा रहा है, कीचड़ों से घर अट गए हैं और अगर चाहें तो इसकी जांच करा लें सर, वार्ड के शपथकर्ता शपथ पत्र देने को तैयार है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव 24।